स्वेट मार्डन की पुस्तक जो चाहो सो पाओ का लेख संपत्ति। अगला भाग। राक फेलर तो एक बार पूछा गया, तुहाडी सफलता का रहस्य की है? कोई भी काम करन तो पहला मैं उस उत्ते खुद अध्ययन कर लैना। हड़बड़ाहट जां जल्दी च काम नहीं करता, ना ही कोई जोखम वाला काम करता है। रॉक फेलर का यह जवाब बड़ा कीमती है, इनू ध्यान च रखो। कोई भी काम करन तो पहला उस उत्ते खूब सोचो। मान लो तुसी अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हो, सब तो पहला उस ते विचार करो, व्यापार का अध्ययन करो, उस व्यापार दीआं सारियां संभावनावां का पता करो। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उस हथ लगाओ। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम नूं जां व्यापार नूं शुरू कर देना अपने आप नूं खतरे च पाउणा है। जोखम जां खतरे नुकसान की जरा भी संभावना जां शक होवे तां उस काम च हथ ना पाओ। जदों तक पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाओ अपना पैसा ना फसाओ। उन्ना ही काम करो जिन्ना तुहाडे बूते च है, बूते तो बाहर की योजना ना बनाओ। सब तो वड्डी गल यह है कि तुसी किसी उत्ते निर्भर रह के किसी काम नूं ना करो, अपने बूते उत्ते ही करो। किसी के मोढियां ते बैठ के चलना हमेशा खतरा है, तुसी लंगड़े हो जाओगे, वो कदे भी तुहानूं पटक के चलदा बनेगा। इस प्रकार तुसी फिर कितों दे ना रहोगे। योजना बनाओ, अध्ययन करो, कमाया गया पैसा संभालो, आने वाला पैसा मुट्ठी मीट के रखो। गैर जरूरी रूप से कोई भी खर्च ना करो। एक नियम बनाओ कि इन्ना खर्च करांगा, भावें उस तुहानूं सिर्फ एक वक्त खाना मिले। मेरा एक मित्र है, मैं उन्होंने मिलन गया, उस समय 2 बज गए सन। मेरा मित्र काम च लग्या होया सी, मैं जाके बैठ गया। उहदी पत्नी आ गई, खाना खा लो। बस हुणे आया, वो बोलिया। मैं मित्र नूं पूछया की गल है हुण तक खाना नहीं खादा? वो मुस्कुरा के बोलिया, अज कुछ अजिहा चक्कर पै गया कि मैं उन्ने का काम नहीं कर सकिया जिन्ने का मैं खाना खाँदा हाँ, जदों कर लवांगा फिर खावांगा, बस हो ही गया। गल सुन के मैं चुप कर गया। मित्र ने दसिया जब तक वो अपने खर्चे के बराबर काम नहीं कर लैंदा उदों तक खाना नहीं खाँदा। देखिया तुसीं, इस नाल मैं अपने मित्र की सफलता का रहस्य समझ गया। जब तक तुसी इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लाओगे उदों तक तुसी जीवन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक मन्नी हुई गल है, किन्नी कठोरता दे नाल मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखिया सी। संपत्ति कोई वड्डी चीज़ नहीं है। कार्लाइल का कथन है, मनुख का धनवान होना किस्मत उत्ते निर्भर नहीं करता, उहदे कर्म ते सूझबूझ ते निर्भर करता है। सूझबूझ नूं ही लोगों ने किस्मत का नां दे के बहुतिआं नूं गुमराह कर रखिया है। असल च कार्लाइल दे ये शब्द सोने के अखरां च लिख के रखने चाहिए हैं। कर्म तो सूझबूझ ही मनुख नूं संपत्तिशाली बनाते हैं। असल च किस्मत नां दी कोई चीज़ नहीं है। लगातार कर्म करो, ज़्यादा तो ज़्यादा समा लाओ, सब कुछ तुहाडे कोल चले आएगा। तुसी चाहो कि बिना हथ पैर हिलाए घर बैठे तुहाडे कोल सब कुछ आ जाए, वो संभव है। बचपन च सुनी एक लोक कथा तुहानूं दसदा। 2 मित्र सी। एक मित्र बोलिया, तेरी किस्मत खराब है। मैं किस्मत नूं नहीं मानदा, साबित कर इस गल नूं, चल मेरे नाल। किस्मत नूं ना मनण वाला एक अंब दे दरख्त हेठां लै आया। खूब पक्के अंब लटके सी, हवा दे झोंकियां नाल टुट टुट के गिर रहे सी। मित्र बोलिया, तू लेट जा, मूँह खुला रख, तेरी किस्मत च अंब होएगा तां मूँह च आके गिरेगा। मित्र मन गया, लेट गया। शाम तक पिया रहा, एक भी अंब उहदे मूँह च आके ना डिग्या। दूजा मित्र अंब चुक के खा गया। अंत च किस्मत नूं मनण वाला मित्र हार गया। किस्मत वड्डी के कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि किस्मत नहीं, कर्म वड्डा है। कर्म के बल ते आदमी अपनी किस्मत नूं भी बदल सकता है। इसलिए हमेशा कर्म ते विश्वास रखो। जदों तक तुसी कर्म नहीं करोगे तुहानूं कुछ नहीं मिलेगा। कर्म ही दुनिया है। इसलिए मेरे दोस्त, कर्म करो। संपत्ति मुफ्त च नहीं आउंदी, तुहानूं कर्म करन नाल ही कुछ मिल सकता है, वो भी कठोर कर्म। जदों तक अपने ते काबू रख के तुसी कठोर कर्म नहीं करोगे तुहानूं कुछ नहीं मिल सकता। कठोर मेहनत च बड़ा सुख है। जो कठोर मेहनत तो घबराउंदे हन वो मूर्ख हन। मेहनत विच बड़ा आनंद है। कठोर मेहनत करन वाला बड़ी सुख दी नींद सौंदा है। घट मेहनत करन वाले नूं देर नाल नींद आउंदी है। कठोर मेहनत करन नाल तुहाडा मन पूर्ण रूप विच खुश भी हुंदा है। एक वार तुसी अजिहा करके तां देखो। खूब मेहनत करो, सुख पाओ। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि हफ्ते के 6 दिन, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनिचर, मैं कस के मेहनत करदा। ਐਤਵਾਰ ਜੰਮ ਕੇ आराम करता। इस प्रकार आराम का भी असली सुख पाना, 6 दिन कठोर मेहनत, 7वें दिन आराम करके तो देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आ जाएगा। ਨਾਲ ਹੀ पूरे हफ्ते ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ शक्ति भी प्राप्त होएगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाओ। रॉबर्ट मैकाले की गल उत्ते मैं खुद अमल करदा, बड़ा आनंद है जीवन च। मेरे मित्र, संपत्ति क्यों, दुनिया की हर एक वस्तु तुसी प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ तुहानू मिल सकता है, अपना हर सुपना पूरा कर सकते हो। तुसी एक बार संकल्प तां कर लो, करके देखो। अपनी मेहनत शक्ति च कंजूसी ना भरो, भावनावां दे वहा च ना वहो, इस प्रकार तुसी अपना नुकसान करोगे। कुछ लोग भावना नाल वहाओ च बह जाया करते हैं। शुरू च बड़ा जोश खरोश रहिंदा है, खूब काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उन्हां दा जोश दुध चाय उबाल दे वांग खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति उदों किते दे नहीं रहिंदे। इसलिए दुध चाय उबाल दे वांग तुसी कदी भी काम ना करो। पहला संकल्प कर लो, खूब दृढ़ता दे नाल फिर काम च लगो। जे बाद चल के ठंडे ही पैना तो बेहतर है तुसी काम ना ही करो। काम च अपना हथ ना पाओ, हथ खिंच लो। भावना च बह के काम करना हमेशा ही नुकसानदायक हुंदा है। इसलिए पहला हेठ लिखियां गल्लां ते खूब विचार कर लो। दृढ़ संकल्प, अटुट इच्छा शक्ति, बेरोक काम, लगातार चुकन्ने रहना। कोई भी काम करन तो पहला दृढ़ संकल्प की जरूरत है। अपने मन को चंगी तरह ठोक वजा के देखो, फिर दृढ़ संकल्प कर लो। जदों तुहानू पूरा विश्वास हो जाए फिर अगे कदम बढ़ाओ। इहदे नाल अटुट इच्छा शक्ति भी जरूरी है। संपत्ति इकट्ठी करने के लिए अटुट इच्छा शक्ति, पैसे नाल पैसे की हिफाजत, उन्होंने संभाली रखना, संपत्ति की भुख बनाई रखना, लगातार उसते ध्यान रखना जरूरी है। अटुट इच्छा शक्ति के बल ते तुहाडा दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने काम च ज़्यादा तो ज़्यादा समा दिओ, व्यर्थ समा ना गवाओ। जिन्ना ज़्यादा समा तुसी अपने काम च दिओगे उन्नी जल्दी तुहाडे कदम सफलता वल वधणगे। अज दा कोई भी काम तुसी कल उत्ते बाकी ना रखो, हर हालत च उहनूं निपटा सुट्टो। मन पाउंदा काम तुहाडी मंजिल सरल बनाएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ, ਵਪਾਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬੜਾ ਸਨਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਨਕੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। सिद्धांतक तौर ते वो सफल मालक है, इसे कारण उसका कारोबार खूब चल रहा है। मेरी गल उत्ते चुप रह गया। शायद ये गल तुहानूं भी कौड़ी लगे, पर यह व्यापार का सर्वोत्तम सिद्धांत है। यह कारोबार की सफलता का रहस्य है। एक प्रकार की व्यापारक चेतनता या सावधानी है। निश्चय जदों मजदूरां दे नाल वो इस प्रकार का विहार करता है तो अपने खरीददार गाहक दे नाल किहो जिहा विहार करता होएगा, ये उसदी सफलता का रहस्य है। संपत्ति का बचाव चौकन्ने रह के हुंदा है। जदों तुसीं चौकन्ने ना रहोगे, तुहाडी संपत्ति सुरक्षित रूप च तुहाडे कोल नहीं रहेगी। पैसा आउंदा बड़ी कठिनाई नाल है ते चला जांदा बड़ी सरलता नाल। आउण च समा लगदा है, जान च पल की देर नहीं लगती। इसलिए तुसी सावधानी ना वरती तो इकट्ठी की संपत्ति फुर्र नाल उड़ जाएगी। संपत्ति पिंजरे च बंद चिड़ी वांग हुंदी है, जरा जिन्ना मौका मिलिया कि पिंजरे चों फुर्र। इसलिए जदों तक तुसी बहेलीए दे वांग चलाक नहीं होगे, संपत्ति रूपी चिड़ी नूं हमेशा अपने जाल च नहीं रख सकते। इस कारण सावधानी तो काम लेना जरूरी है। यही गल्लां अपना महत्व रखदियां हन। संपत्ति कौन नहीं प्राप्त करना चाहता? पैसा किनू प्यारा नहीं है? जेब च सैकड़े रुपए रहन ते भी राह चलदे पिया एक छोटा जिहा सिक्का भी आदमी उठा लैंदा है। ये उहदी संपत्ति लोलुपता का प्रतीक है। संपत्ति प्राप्त करना असल च एक तपस्या है। इस तपस्या नूं करन वाल लई बड़ा साहस, बड़ी हिम्मत चाहिदी है। जदों तक दृढ़ संकल्प, कठोर मेहनत नहीं होएगी, संपत्ति कोल नहीं आ सकती। इसलिए तुसी जे संपत्ति चाहुंदे हो तो इस नियम का पालन करो। तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है फिर भी तुसी सब कुछ पा सकते हो। अपना एक उदेश बना लो, उन्होंने याद करो, फिर इस उत्ते अमल करो। लगातार लगे रहो, बूंद बूंद करके तुहाडा घड़ा भर जाएगा। संपत्ति प्राप्त करना कोई वड्डी गल, चमत्कार जां किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सीधा सादा यही फार्मूला है। हर आदमी इहनूं प्राप्त कर सकता है। उहदे लई खास योग्यता की जरूरत नहीं हुंदी। अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी भी करोड़पति बन जाते हैं। इस प्रकार के धनवान इस संसार च भरे पए हैं कि जिन्हां ने स्कूल का मूँह तक नहीं देखिया, कक्का खक्का गग्गा भी नहीं पढ़िया। इसलिए जे तुहाडे च कमजोरी है तो पिछे ना हटो। सिक्ख्या स्कूली योग्यता सिर्फ सधारण सहारा है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो असली योग्यता चाहिए है वो तुहाडे ही क्यों, हर आदमी दे अंदर है। असली योग्यता दृढ़ संकल्प, लगातार मेहनत, होशियारी, जिन्हां दी चर्चा की जा चुकी है, ये गुण हर एक विच हन। हर एक मनुख च इस प्रकार के गुण जन्म जात होया करदे हन। जरूर इस जरूरत इस गल दी है कि वो इन्हां उत्ते अमल करन। अपने अंदर की छुपी शक्ति नूं पहचानो। कुदरत बार बार कहती है, हे मनुख, मैं तैनूं सब कुछ दे रखिया है, तेरे अंदर सब रखिया है, तू पहचान ते प्राप्त कर लै। ये सच है। असल विच हर एक मनुख दे अंदर सब कुछ है। की चाहीदा है? अपने अंदर झाक। ये उही नज़र आएगा। हुण इहनूं पाउण दी कोशिश कर, कर्म कर। कर्महीन रहेगा तो की पाएगा? इसलिए हुण भी समय, जाग जाओ। कुछ भी उम्र होवे, चिंता दी कोई गल नहीं, बस लग जाओ, सब मिलेगा। कुछ लोग उम्र दा रोना रोंदे है कि जिंदगी रही की गई है। अजिही गल नहीं है। जो भी जिंदगी है ओदा ही उपयोग कर मारो, संपत्ति प्राप्त करो। मेरे मित्र, ईमानदारी नाल इस गल नूं सोचना ते अमल करना ते फिर अपने आप इस गल नूं पाओगे कि मेरी एक एक गल सच है। धन्यवाद।